कल रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग है। यूएनएचआरसी में रूस को हटाने के लिए ये वोटिंग होगी यूएनएचआरसी से, तो ये वोटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ, तो कल वोटिंग होगी रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएनएचआरसी से रूस को हटाने के लिए वोटिंग होगी लगातार। आपको बता दें कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का जो आरोप है वो रूस पर लग रहा है, वॉर क्राइम्स का जो आरोप है वो रूस पर लग रहा है, और कल रूस के खिलाफ वोटिंग। और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बरसे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूएनएससी में पूछा सवाल, हमें क्यों नहीं दी जा रही है सुरक्षा? क्या खत्म हो चुका है इंटरनेशनल लॉ? सुरक्षा नहीं दे सकते तो क्या यूएन को बंद करने को आप लोग तैयार हैं? ये तमाम सवाल पूछे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। पूछा कि महाविनाश ने दुनिया को हिला कर रख दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखने का मौका मिला। अपने संबोधन में जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र पर ही बरस पड़े। जेलेंस्की ने पूछा, यूएनएससी हमें सुरक्षा क्यों नहीं दे रहा? अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो क्या आप यूएन को बंद करने को तैयार हैं? क्या इंटरनेशनल लॉ खत्म हो चुका है? जेलेंस्की ने एक के बाद एक कई सवाल यूएन की बैठक पर दागे। जाहिर है कि ये सवाल जेलेंस्की के नहीं बल्कि जलते हुए बारूद के अंगारे में खाक हो रहे यूक्रेन की टीस है। युद्ध में मारे जा रहे बेबस और बेगुनाह लोगों की चीतकार से उपजी आह है, जिसे ठीक एक दिन पहले जेलेंस्की ने बूचा में घटना स्थल का दौरा करने के बाद महसूस किया था। मैं बूचा में मारे गए नागरिकों की भयावह तस्वीरें कभी नहीं भूल पाऊंगा। रूसी सैनिकों के कृत्य आतंकवादियों से अलग नहीं है। रूसी सैनिकों ने जातीय और धार्मिक विविधता को नष्ट करने की नीति पर काम किया है। इसके बाद युद्ध भड़काया और कई नागरिकों की जान ली। बच्चों के सामने महिलाओं से रेप किया, टैंकों से लोगों को कुचल दिया, कुछ लोगों को कुएं में फेंक दिया, लोगों की उनके घरों में हत्या की गई और घरों पर ग्रेनेड से हमले किए गए। जेलेंस्की ने साफ लहजे में कहा कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 के तहत हमारी सुरक्षा की जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।